हाय दोस्तों, शाम के हल्की फुल्की भूख लिए यम्मी नाश्ता। मैंने पोहे और आलू के स्नैक्स बनाए हैं। इसके लिए हम पोहे लेते हैं, इसे बर्तन में निकाल के साफ से हम 2-3 पानी से धो देते हैं इसको। अब से 2-3 पानी से धोने के बाद इसको हम छान लेते हैं और इसको हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं जिसके सारे पानी निकल जाए। मैंने आलू ले लिया, मैंने आलू 3-4 उबाल लिया है। अब इसे हम मसल देते हैं। आधा चम्मच इसमें ब्लैक पेपर डाला है, चिली फ्लेक्स आधा चम्मच ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड कर लिया है, नमक स्वाद अनुसार ले लिया, खड़ी मिर्च ऐड किया, गरम मसाले 1 चम्मच डाल दिए और ऊपर से हम धनिया डाल दिया। इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसके बाद इसमें पोहे डाल देते हैं, उसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं और इसे हम लंबे लंबे शेप कर देते हैं। अब इसे चावल के आटे में हम डिप कर देते हैं। ऐसे हम सारे स्नैक्स तैयार कर लेते हैं। तेल हमने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब सारे स्नैक्स को इसमें डाल देते हैं, उसको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। पलट पलट करके इसको दोनों तरफ से अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही सिंपल तरीके से बन गई है हमारी स्नैक्स। बहुत ही जल्दी और बहुत ही कुरकुरी टी टाइम स्नैक्स तैयार हो गई है। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय दोस्तों।